हजारों वर्षों से मुकदमा चलत बा। सन 2019 में ये मुकदमा हल भई, एकदम नई विधायक आप लोगन के बीच में परोसत है। जवाहर फिल्म रिकॉर्डिश हमारे दिल के धड़कन छोटे भाई जितेंद्र जानू जी बिरहा कमलेश भैया की देख रेख में ये मार्केट में हम छोड़ थे। अब तो बाबू नमन न्यायधीशों को दिल से मेरा फैसला जिसने सारा निपक्ष लिख दिया। जन्मभूमि का जिम्मा है सरकार को, ना पक्ष ही लिखा ना निपक्ष लिख दिया। पर कथा एक ग्रंथों से रोचक मिली, जिसका विस्तार नीचे बताया गया। राम मंदिर भी था, प्रभु श्री राम थे, आज निर्णय भी जिसका सुनाया गया।
9 सितंबर 2019 के यह फैसला हुआ। कवि जी ने भाव दिया है, वो गीत से ढेर मजा कवि जी भाव में देले हुन। देखें, जो पूरे संसार को रचने वाला है आज इस दुनिया के सामने लाचार दिख रहा है। कवि जी ने बड़ी सुंदर भाव दिया है, लाचार दिखता है जमाने को रचने वाला, लाचार दिखता है जमाने को रचने वाला, फैसला चाहता है फैसला लिखने वाला, कहानी कहा कबा इमें से बिरहा का शुरुआत भयल। राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती कहाए, जमाना जिनकी शौर्यता की गीत को गाए, इनकी क्षमा दया का दुनिया में असर था, इनकी क्षमा दया का दुनिया में असर था, प्रजा बड़ी सुखारी उज्जैन नगर था, सोए थे भूपरात में एक स्वप्न है आया, सोए थे भूपरात में एक स्वप्न है आया, चित्र राम भूमिका है दिल में समाया, निकले हैं स्वयं राजा जी रथ को सजाई के, निकले हैं स्वयं राजा जी रथ को सजाई के, रूढ़े जन्म स्थान अयोध्या में आई के, रूढ़े जन्म स्थान अयोध्या में आई के, पाए नहीं स्थान मन दुखी लाचार है, पाए नहीं स्थान मन दुखी लाचार है, बीता है कई माह हुआ चमत्कार है। ए पंचो, पहले कहानी के समझ ले बाप, बिरहा समझना में आसान हो जाए। उज्जैन नगर के रहने वाले विक्रमादित्य राजा रात में सोए हैं, सपने में देखे अयोध्या की सीन दिखाई दे रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म याद आ रहा है। राजा सुबह हुआ उठे, स्नान किए, अपने रथ को सजा करके विक्रमादित्य राजा अयोध्या की ओर निकल पड़े। अयोध्या में पहुंचल है, अब पहुंच के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भूमि स्थान खोजत हुवन विक्रमादित्य जी। खोजते खोजते कई माह बीत गया, लाचार है राजा विक्रमादित्य, आखिरकार भगवान का यह स्थान मिलेगा कहाँ। यहाँ कवि जी विदेशिया का लाइन दिलन, अरे मनवा लाचार दुखी, Yeah.
भोरे भोरे सरजू तीरे बाबू घटली घटाना दुगो घोड़ सवार आईले अरे का लिखे बदनिया हो अरे राम नाम लेके करे बाबू सरजू में आसाना नामा अरे डुबकी लगा के जैसे अरे भैया निकले बाहर आवा हो अरे राजा देखले गोरी भैली ए बाबू दोनों के कई महीना बीत गई विक्रमादित्य राजा वही सरजू की तट पर भोरवे में बैठ के सोचत होन के आखिरकार भगवान के स्थान मिली कहाँ। तब तक भोरे भोरे में दुई छे घोड़ा पर दुई छे आदमी घोड़सवारी कई के अलन हा बिल्कुल बदन एकदम काला कलूटा वही सरजू जी के घाट पर बैठ के विक्रमादित्य झंख मार छोड़ के आखिरकार मिली कहाँ। तब ले दुई छे घोड़सवार एकदम काला के लुटा इलन हा वही सरजू जी के किनारे घोड़ा से उतरलन गोता लगल राम नाम कह के विक्रमादित्य एक निगाह लगा के दोनों के देखत हुवन राम के नाम लेके जब ही गोता लगा के निकलन ऊपर काला बदन बिल्कुल गोर हो गई। विक्रमादित्य प्रसन्न रे ई कैसन चमत्कार है भाई लगे अलन हा लगे आए के आ वो दोनों करियवन से पूछलन कि आखिरकार भैया ई कवन चमत्कार है यहाँ गीत लगल भैया सेज चढ़ती सेज चढ़ती डर लागी मुरी गोइया सेज चढ़ती डर लागी मुरी गोइया ता शैया घुघटी पट्टी खोले रे चकित नजरिया से देखली रोजना चकित नजरिया से देखले रोजना तो के हवा मराम
दोनों घुड़सवार के पास पहुंच के पूछलन, भैया कहां के रहे वाला हुआ जा, का आप लोगन के नाम बा? बड़का भाई बतावत बा, हम ही राजे प्रयाग हमर भाई, धोवेल पाप सब कुंभ में नहाई, पाप के प्रभाव से मलिन भय बदन हुआ के हुआ मराम बतावना, के हुआ यापल बतावा, हम राज है, हमार छोटका भाई इ प्रयाग हुमन, कुंभ लगेला, कुंभ में लोग दूर दूर से आवेलन, स्नान करलन, अपन पाप धोवेलन, उ पाप हमन के ऊपर आके चढ़ेला, ऐसे हमन के बदन जोन बा एकदम काला हो जाले, वही के धोवे खातिर वो पाप के ए सरजू में आके राम का नाम लेके जब स्नान कर ले जा तो हमन के बदन से ई पाप जोन बा ई दूर होला। बड़ा गौर से विक्रमादित्य राजा सुनल की तो बड़ा काम वाला आदमी लगत हूँ भाई, इन्हीं से कुछ बात बनी, राज और प्रयाग पूछा कि भैया आखिरकार आप क्या हुआ, कहला कि हम उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य हैं, कुछ काम से चलल है, कहला का काम से चलल हुआ, कहला कि भैया हम चलल है ये नाते मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान जन्मभूमि कहाँ बा, कहला कि तुहके मिली जरूर, हम बतावो थे कहाँ मिली, यहाँ गीत बदल गई, पतली कमर लचके, पतली कमर लचके, उ दोनों भाई राजा विक्रमादित्य से बतावत होवन, मर्म के बात सुने ले राजा रसाई, परेशान कहे जल्दी सुनावा, आपन विचार राजा जल्दी बतावा, बड़ परेशान कहे हमके सुनावा, राम जन्म भूमि के दला
बतौलन सा कल सा चल जा कहाँ पे चौपाई की लाइन में बतौल गई। लो मसरी से आश्रम जाई बेद दिहे मंदिर के बताई राजा विक्रमादित्य से उराज और प्रयाग दोनों भाई बतौलन कि अगर राम का जन्म भूमि के जानल चाहत हो कि कहाँ पे हो तो चल जा लोमस ऋषि के पास में वो आपके व्यवस्था बतिहन कि राम का जन्म कावनी स्थान पर भइले है। इतना बतिया सुनते ही विक्रमादित्य राजा जी दौड़ते हुए पहुंचे लोमस ऋषि के आश्रम पे पैर पकड़ के कहा कि प्रभु इच्छे काम से चलल है। कलना कौन काम से चल रहा बताओ थो नहीं गीत लग गए देखी कौनो गीत के पीछे कौनो राज होला। एगो नई नवेली दुल्हन के गवना भइल ससुरे से जब लौट के नैहर में पहुंचल सहेली पूछल लो का हो सकी कैसे आपका सुहाग रात बीतल दुल्हनी अपनी सखी से बतावत वे कैसे बतावत है। एगो नई नवेली दुल्हन का गवना होके ससुराल से जब वापस फिर नैहर पहुंचल सहेली लोग जुटल लो का हो सके कैसे बीतल है वो दुल्हनिया बतावत में सहेलियन से आई सुहाग राती जहिया विक्रमादित्य राजा पहुंचे हैं लोमस ऋषि के पास जाए के अपन विचार रखलन हा कैसे हो गईले इशारा जब पाई
अपन से गिरी दूध थनवा सुना ये राजा लोमस ऋषि बतौला सुना विक्रमादित्य राजा स्थान तो होके मिली लेकिन जहाँ भेजत थी मुझे जीवा तब सुन के वृतांत राजा चोल गए मन में एक गाय देखिया भरी के नयन में दूधे का धारा निकलल थनवा सुना ये राजा दूधे का धारा निकलल थनवा सुना ये राजा बोले हेलो मस्त बयानवा सुना ये विक्रमादित्य से लोमस ऋषि बताए कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भूमि खोजना चाहते हैं चले जाइए जंगल में एक गाय आएगी हे राजा जहां आके गैया खड़ा हुई निगाह लगो ले भैया जहां गैया के खड़ा हुई औकरी थान से अपने आप ही दूध गिरे लगी तो समझिए वही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भूमि इतना बतिया सुनते ही दौड़लन हा जंगल में जाके राजा साहब निगाह लगोले हन की हर से गाय आई समय आ गेल बाबू यहाँ टेरी के भाव लग गए यर मोर राम सवारा हो सवारा श्री राम का मंदिर अरे राम सवारा हो सवारा श्री राम का मंदिर अरे गाय के थान से जहां गिरे दूध की धारा चलो नहीं वो छंद वाला भाव लगे बाबू मंदिर बना भरी यार पूजे लागल सनसा राजा खुशी बारंबार हो निहार मंदिर मंदिर दुनिया में नहीं देता ग्रंथ गवाही ऐसन कैले रचनाई हो समार मंदिर मंदिर बहुते भय पुरानी हजारों वर्षों बीतल कहानी आयल बाबर अभिमानी हो झंकार मंदिर ए पंचो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भूमि खोज के राजा विक्रमादित्य बहुत सुंदर मंदिर बनौलन हा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अयोध्या में बहुत सुंदर बनल समय बीत गया हमारे देश के अंदर आक्रमण करके बाबर पहुंचा आई देखलस जब राम का मंदिर वही मंदिर को तुड़वाई देखलस आ तुड़वाई के मस्जिद बनवाओल यहाँ गीत लग गए भैया ओ गीतिया से ढेर मजा भी रहा में बा बीतल कुछ दिन भैली भतिया पुरानी
हवा में बाबर अभिमानी। बीतल कुछ दिन भैली बतिया पुरानी, आई गईले देशवा में बाबर अभिमानी। एक सपना अपना पुराया है, मंदिर पापी तोड़वाया है, रच के मस्जिद बनवाया है। वाया है रच के मंदिर। ऐ साथियों, बाबर आया जब अयोध्या के धरती पे कदम रखा, देखा दुनिया में हमने बहुत मंदिर देखा, बहुत मस्जिद देखा, लेकिन ऐसा मंदिर हमने आज तक कभी नहीं देखा। आक्रमण कर दिया मंदिर के ऊपर, मंदिर को तोड़वा करके और उसके ऊपर मस्जिद बनवाया। कभी यहाँ पहपट का भाव देहलन। अरे दोड़ा राम के मंदिर बाबर आई हमरे भाई हो। अरे दोड़ा राम के मंदिर, अरे बाबर आई हमरे भाई हो। आ तब से झगड़ा बांटे बरियाई हमरे भाई हो। वह बाबर नीच कमीना हमारे विक्रमादित्य की निशानी को तोड़ा ऊपर से और मस्जिद बनवाया। अरे बहुत दिन तक गायम रहले देश में मुगल शासन हो। अरे करी बात गोरवन के सज गईले सिंहासन हो। अरे कितना बिर लड़के दे दिहले प्राण गवाई हमारे भाई हो। अरे अत्याचार में तनिको कमीना बाबर का शासन खत्म हुआ, मुगलों का शासन खत्म हुआ। मुगलों का शासन खत्म होने के बाद अंग्रेजों का आ गया गोरखा रेजिमेंट। गुरु ने आकर के हमारे भारत के ऊपर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। कबीर जी ने भाव दिया है अल्लाह में, अरे दसवा में बनी गई लया
देश में अपनी सरकार बनी, तमाम पार्टी आई और गई, लेकिन मंदिर का चर्चा नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर बीजेपी सरकार हिंदू दल का नारा लगाती हुई आई कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं राम का मंदिर जरूर बनवाऊंगा। कई बार देखा गया, आखिरकार इस दुनिया के रचने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको भी संविधान के तहत आना पड़ा। भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान के तहत श्री राम को भी कोर्ट में पहुंचना पड़ा, जो दुनिया के रचयिता हैं। अब ये पर बीजेपी वाला भाई लोग तो फुलवा लो कि हमारी सरकार में राम का मंदिर का निर्माण भइल, केस जीत के लिया। यह सोचना गलत है, क्यों कि आदेश जब कोर्ट ने दिया है तो इसमें ना बीजेपी का दिन है, ना कांग्रेस का दिन है, ना सपा का दिन है, ना बसपा का दिन है। यह आदेश उस जज का है, तो इसीलिए कहना पड़ा। अरे ना सितंबर, अरे 19 के दिन शुभ भइल, अरे फैसला राम मंदिर के आई गइल। रियावर के वोट के ना कौनो अधिकार हो, आ सुन्नी के 8 एकड़ मस्जिद मझार हो, अरे राजा खुशी में सब के भाई गईले, फैसला राम मंदिर गया ही गईले। कचहरी में कोर्ट में यह सुनाया गया, अरे ट्रस्ट बनी वो के कुल मिली अधिकार हो, आए के मंजूर कैलाश मोदी सरकार हो, अरे निर्वाही अखाड़ा भी हिस्सा से मराई गई, राम मंदिर के फैसला भी आई गई। हमारे विरहे का अंत हुआ तो कहना पड़ा, जय जखाड़ स्वामी गुरु।